पर्यावरण की सीरीज में एक नए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जल्दी फटाफट अंदाज में आप लोग को इसका जवाब देना है। और ये पर्यावरण आप सभी के अगर सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा कॉपी कलम लेकर, क्योंकि सिलेक्शन का, नियुक्ति का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन को पढ़ने के बाद कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले भी दिख रहा होगा कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विद्वानों को एक विषय अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, यह विज्ञान शिक्षण क्या। देखिए, सामाजिक विज्ञान विद्वान काट लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो अध्यापक केंद्रित उपागम पे, अनुशासित उपागम पर, एकीकृत उपागम पर, सामान्य उपागम पर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा और फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ये होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा एकीकृत उपागम। तो क्या होगा? एकीकृत उपागम होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखिए, आप सभी लोग को जवाब देना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। यहाँ पर कह रहा है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अगर ये नहीं है तो उनसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के तक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं, और ये जो है ये राज्यपाल को। ये दोनों डिफरेंस आप लोग जान लीजिएगा ए और डी में, जो हमने व्याख्या के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगला है आपके सामने, विधान परिषद सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ये है वोट देने की आयु, ना पहले थी अब नहीं, ये है पंचायत का सदस्य 25 वर्ष में क्या हो जाएगा आपका, विधानसभा या लोकसभा 30 वर्ष, विधान परिषद या राज्यसभा 35 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए, वोट देने के 18 वर्ष है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या है, विधान परिषद के, तो यहां पर इसका उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। इसे भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय कहा जाता है, जबकि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी कहा है। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत में संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्त। तो ये प्रस्तावना है, मुझे लगता है आप सभी को भी याद होना चाहिए प्रस्तावना। तो कितनी बार हुआ है? देखिए, यहाँ पे जो शब्द जोड़े गए थे वो शब्द तीन थे, शब्द जो थे तीन, लेकिन संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। एक बार हुआ है, कब? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यह बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तीन शब्द संशोधित किया गया था, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस रोग का वाहक है, इसे कौन सी मक्खी है? इसे कहा जाता है ट्रिप्नोसोमा, इसे कहते हैं नींद बीमारी, या इसे एक नाम से और जानते हैं ट्रिप्नोसोमा, अफ्रीकन नींद बीमारी। यह सीसी मक्खी है, इसमें टी आपका साइलेंट है, सीसी मक्खी है, उसकी वजह से यह फैलता है। ये परजीवी आत्व रक्त नलिकाओं में पाए जाते हैं। और आपने सुना होगा बचपन में कि जब किसी कुएं में सांप मर जाता था, उस कुएं का पानी जब लोग पीते थे तो उस नींद बहुत आती थी। तो आज भी जो नींद की दवा बनती है वो जहर से बनती है सांप की, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह में ही नींद की दवा ले, तो ज़्यादा दवा लेने पर व्यक्ति सर्वदा के लिए सो सकता है। तो कुआं में पानी ज़्यादा होता था, इस वजह से लोग क्या होते थे कि नींद बहुत आती थी। अगला, ग्रेट बैरियर कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर द्वीप कहाँ पर है? अब तो जानते हैं, आपको कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किस जगह बताइए जल्दी से कमेंट करके। लेकिन ये किस महासागर में है? सर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया, आप शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, लोगों से पूछा दीजिए। देखिए वो प्रशांत महासागर में कहाँ पे है, प्रशांत महासागर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल व्यक्ति है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, यह बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न के विकल्प के हिसाब से हिंद महासागर को बताना है, हिंद महासागर बताना है, प्रशांत महासागर का नहीं, हिंद महासागर। तो यह है सुंडा खाई, 8100 यूपी में। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। मेरेना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए, मतलब जो अलग हो, जो बेमेल हो, जो बिरादरी से बाहर, बताइए। जितने वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहूँगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन पर जाएं और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। अब ये देखना है कितने लोग इस प्रश्न का एकदम सही जवाब दे सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लाल काला सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी क्या है? झील है। लेकिन लाल सागर क्या है? एक सागर है। ये क्या है? झील है। ये भी क्या है? झील है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो रेड सी या लाल सागर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, लाल सागर जो है सागर है, बाकी जितने हम लोग देख रहे हैं वो सभी झील है। क्लियर? किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? जलडबर मध्य से क्या होता है? कुछ कभी गलत दिखेंगे दोनों मिले ध्यान से, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जल डमरू मध्य क्या है? मतलब दो महासागर को
विभाजित करने वाली भूमि को कि जो सक्रिय पट्टी होती है उसे हम जलडमरू कहते हैं। यह दो बड़े जलभाग को जोड़ता है, अपने पास स्थिर स्थल भागों को अलग करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी सही और राइट आंसर है। ठीक है, अगला, आंखों के दोष के आधार पर, आंखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। प्रगाढ़ बेहोशी, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। तो जी हाँ, निकट दृष्टि दोष सी प्रश्न का राइट आंसर है। और कोई सवाल? असत्य जोड़े असत्य जोड़े की पहचान करें। हरित क्रांति, कृषि विकास, श्वेत क्रांति, डेयरी विकास, क्या होगा इसमें? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं अगर किसी ने इस प्रश्न को गलत किया इसका मतलब इसका सलेक्शन अभी काफी दूर है। हरित क्रांति कृषि विकास सही, श्वेत क्रांति डेयरी विकास सही, नीली क्रांति मछली विकास सही, लेकिन ऑप्शन थर्ड सिंचाई विकास ये गलत। और जो गलत है वही सही अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन गैर पेशेवर क्रिकेटर जो MCC का अध्यक्ष है? इसका होगा क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। यह ब्रिटिश क्रिकेट जर्नलिस्ट एवं MCC के अध्यक्ष हैं। BCG के टीके में सी का मतलब क्या है? देखिए BCG का जो टीका है वह ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से बचाव के लिए है। इसकी जो खोज है, इस टीके की जो खोज हुई थी 1908 में। प्रांबी बीसी टीचर 1908 किसने किया था? कोलमेट और ग्लोरिन ने किया था। किसने किया था? कोलमेट वह ग्लोवेरिन ने किया था। BCG में सी का मतलब क्या है? कालमेट है, ये सी से शुरू होता है। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब है जिम कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं जाने पूरी सच्चाई। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जिम कार्बेट सभी लोग बताइए। देखिए ये बंगाल के बाघ के रक्षा करने के लिए बनाया गया था। जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या है? नेशनल हैली है। इसका पुराना नाम क्या है? नेशनल हैली है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में देखने जाने वाला पेंटस धब्बा क्या है? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक लाइक तक नहीं किया है, ऐसा नहीं करता, लोगों तक पहुंचा दीजिए। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेंटस धब्बा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है आपका लैटेराइट नीचे, बंद, अयोग्य भूमि, खाली लक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लैटेराइट नीचे होगा। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है? बताइए। जल्दी बताइए, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, जिन संसाधनों का निर्माण अजैविक तत्वों से होता है वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, भूमि, जल। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी का सही और राइट आंसर। ठीक है, अगला। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान कहते हैं। आपको तुरंत पता चल गया निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान है? मेघालय नहीं है, कोरोमंडल तट नहीं है, कोकाटक नहीं, कश्मीर में लेह लद्दाख, यहाँ पर शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है। उसके अलावा राजस्थान है, पश्चिमी गुजरात है आपका। ठीक, क्लियर हुआ सबका? निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल ठीक नहीं है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में जोड़ों में से किसका मेल ठीक से नहीं बैठता? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए, यहां पर आपको ये बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं बैठता। बागसाइड बिहार सही है, कोयला जो राजस्थान दिया है ये झारखंड में है, हीरा मध्य प्रदेश, खनिज तेल असम, राजस्थान में अगर देखा जाए तांबा, अगर राजस्थान में देखा जाए। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जो गलत है वही सही है, बी। क्योंकि ये प्रश्न कैसा है? नकारात्मक प्रश्न है, नेगेटिव प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अगला आपके सामने है बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। देखिए, बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक करता है। यह एक बहुपक्षीय कोष है जो विभिन्न दाता सरकारों द्वारा समर्थित है। यह मुख्यतः विकासशील देशों में वन की कटाई, वनों में गिरावट, भूमि का जो गलत प्रयोग होता है, ठीक है, उनसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा कम करना, इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके उद्देश्य। अगला है पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी 6 प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, वह है सबसे पहले अगर हम आपका देखें तो इथियोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पहली आर्कटिक,
उसके बाद न्यू ट्रॉफिकल, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रम में दिया गया है, वह आपका सही है, अर्थात डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बहुत ही आसान सवाल है। 5 अक्टूबर सन 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी में डॉल्फिन मीठे पानी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, जिसकी प्राण शक्ति या सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। यह विलुप्त तो हो रहा है, वर्तमान में 2000 से भी कम संख्या रह गई है। इसका कारण सीधी सी बात है, प्रदूषण बढ़ना और बाधों का निर्माण करना, शिकार करना। बिहार और उत्तर प्रदेश में से सौंस को सूसू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक मांसाहारी जलीय जीव है, यह सूंघ कर निकाल सकता है। जिसको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लग रही है, वो यहाँ पे 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ली, वीडियो आपको पूरी तरह से HD में मिलेगा। अगला सवाल आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थ के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने की फेजिंग आउट के मुद्दे का संबंध किससे है? देखिए, आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप घर बैठे क्लास नोट्स और लेक्चर की जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, ओजोन अपक्षय यहाँ पर गलत लिखा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा अपक्षय। तो जो इसका संबंध मटेरियल प्रोटोकॉल से है, और मटेरियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है, एक तरह से देखा जाए तो ओजोन क्षय संरक्षण से इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 20 का राइट आंसर है। आमतौर पर समाचार पत्र में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? देखिए, यह धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कहां से शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ये वीडियो इलेनी भी दुर्गेश पर आप देख रहे हैं। देखिए, जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पे अपने मोबाइल के 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करेगा, वीडियो की जो क्वालिटी होगी उसे बढ़ाकर 720p कर लेगा। इस समय उसका वीडियो चल रहा होगा 144p पर, इस पर साफ नहीं आता, ठीक। इसलिए आपको करना किस पर है, 720p पे वीडियो आपको पूरा HD में दिखना शुरू हो जाएगा। कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? अगर आप टेट की तैयारी कर रहे होंगे, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी करोगे, तो आपके सिलेबस में मेला है, तो मेला अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सबसे पहला काम तो आपको यही बताना है। जल्दी कमेंट कर बताइएगा। जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देंगे। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, सहारनपुर, जी हाँ, सहारनपुर इसका राइट आंसर, कुछ लोगों ने सहारनपुर बताया है और कुछ लोगों ने नहीं बताया। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से 5 प्रश्न आपके होते हैं प्रतिदिन, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, इलाहाबाद। चलिए, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिएगा। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, सुपर टेट, टेट, सी टेट, रीट, KVS, DSSB,
जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी, पीईटी सभी के लिए पर्यावरण अनिवार्य है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सहारनपुर। जी हाँ, आराम से आप लोग पढ़िए, जल्दी आप लोग को सौरभ सर भी आपको ट्रिक लेकर आ रहे हैं, GS GK ट्रिक, और कल से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा वो भी। एक इलेनी भी दुर्गेश और चैनल स्टडी भी दुर्गेश सर, देखिए उस पर चलाते हैं, इलेनी भी दुर्गेश चलाते हैं, उन्हीं के ऊपर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और स्थानीय शासन से है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, अब बताइए आप लोग क्या प्रधान का निर्वाचन जो हुआ था उसमें कौन सी प्रक्रिया थी, उसके बारे में जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, ऐसा तो नहीं है, मतलब सभी निर्वाचक द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये सही है। ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा, जी नहीं, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, मतलब उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, इसी क्षेत्र में निर्वाचकों द्वारा होती है। सही उत्तर आपको यहाँ पर चयन करना है, यहाँ पर होगा दूसरा और चौथा, सी इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 212 चुनाव में कितनी महिला निर्वाचित थी, तो ये काफ़ी लंबा यहाँ पर बहुत पुराना है, तो यहाँ पर 35 है। अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई हैं, कितने चुनाव लड़ा था और कितनी निर्वाचित हुई हैं, ये मैंने पढ़ाया है। अगर जो लगातार हमारी क्लास को पढ़ रहा हो उसको ये बात याद होगा, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई उत्तर प्रदेश से, कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था। कर्मा, किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यूपी स्पेशल की सवाल है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, इसमें संविष्ट जिला कौन सा है, खीरी, महोबा, मथुरा, सोनभद्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा सोनभद्र। अगला आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई, ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। मेरी क्लासेस निःशुल्क हैं, जो प्रतिदिन आपको यूट्यूब और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। इसके अलावा यदि किसी भी की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम से दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा, ताकि क्लास की नोट्स भी आपको वहाँ से प्राप्त होती रहे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोगों ने बताया ललितपुर, अर्थात 20 का सही जवाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आज की क्लास, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जूनियर प्राइमरी जहाँ भी तैयारी करेंगे, क्योंकि जूनियर में 50 नंबर का सेशन आपको मिलता है, प्राइमरी में 10 नंबर का मिलता है, UPTET में 30 अंक का मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी हाँ, देखिए मैराथन क्लास के लिए आप लोग को यूट्यूब पर ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पर सूचना दे दी जाएगी, तो मैराथन क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मैराथन क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।